तो आज है दिवाली। तो सबसे पहले गाइस हैप्पी दिवाली। और मैं ये सोच रहा था यार, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हमेशा पटाखे जला के, घर को सजा के, घर में साफ सफाई करके, मिठाइयाँ खा के, इस तरीके से अलग अलग तरीके से। बट मैं ये सोच रहा था इस बार क्यों ना हम लोग दिवाली पर करें एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज। क्या बोलता है शिनचैन? अरे कैसा चैलेंज यार, घर में साफ सफाई करने का? नहीं, घर में साफ सफाई करने का चैलेंज नहीं भाई। तो क्या ऐसे गुलाटियां मारने का? नहीं, गुलाटियां मारने का भी नहीं। तो फिर कैसा चैलेंज? अबे एक सेकंड, मैं खुद भूल गया। हाँ, हम लोग चैलेंज करते हैं घर को सजाने का। अरे यार, घर को सजाने का भी कोई चैलेंज होता है? पर मजाक कर रहा हूँ भाई, हम लोग चैलेंज करते हैं पटाखों का। अरे पटाखों का कैसा चैलेंज? सिंपल सा चैलेंज है भाई, तू अपने अलग पटाखे खरीद के लाइयो, मैं अपने अलग खरीद के लाऊंगा, और फिर हम लोग रात को टेस्टिंग करेंगे कि किसके पटाखे में है दम। कैसा आइडिया? आइडिया तो खतरनाक है यार, लेकिन मेरे पटाखे तुमसे ज्यादा बढ़िया होंगे। तो ठीक है यार, मैं रेडी हूँ, चैलेंज मंजूर है मुझे। तो ठीक है, मुझे भी चैलेंज मंजूर है। तो जा फिर अभी पटाखों का जुगाड़ करने लग जा, क्योंकि मैं तो चला भाई पटाखों का जुगाड़ करने। मैं ऐसे पटाखे लाऊंगा गाइस, शिनचैन उनके आसपास भी नहीं फोड़ पाएगा। यस, एकदम मस्त धमाका करने वाले। अरे तुम्हारे पटाखे देख लेना, फुस होंगे। अच्छा, वो तो भाई रात को ही पता चल जाएगा। आज लेट्स गो, चलते हैं। तू भी निकल जा भाई। मैं कैसे जाऊँ? टैक्सी लेके चला जा, मेरे पास तो बाइक है। फटाफट से चलते हैं गाइस, लेकर आते हैं एक से एक। वैसे भी मेरे पास पैसे हैं। क्या लेकर आऊँ? रॉकेट? हाँ, रॉकेट वाले ही लेकर आएंगे, छोटे वाले में मजा थोड़ी ना आएगा। लेकिन कहाँ से? वैसे लॉस एंजेलोस के अंदर ज्यादा वैसे पटाखों की दुकान है नहीं। किसी से पता करना पड़ेगा। किससे पूछूं? साइमन से पूछोगे जाके? साइमन तो बिजी होगा अपने शोरूम पे गाड़ियाँ बेचने में। वैसे भी आजकल दिवाली के टाइम पे उसकी गाड़ियाँ कुछ ज्यादा ही बिक रही हैं। पता नहीं भाई क्या सीन है। तो फिर कहाँ जाना चाहिए पटाखों के लिए? इस मॉल के अंदर लगता तो नहीं है यहाँ पर। हाँ तो एक कपड़ों की दुकान है, एक खाने पीने की दुकान है, बस यही है। पटाखों के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। चलो, मैं क्या सोच रहा था यार, ये शिनचैन हद से ज्यादा कहाँ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लॉस सैंटोस में किसी दुकान से लाएगा। मैं जाता हूँ भाई लॉस सैंटोस से बाहर पलीटो बे की तरफ। उधर की दुकानों पे थोड़े अलग, थोड़े मस्त, थोड़े स्ट्रॉन्ग पटाखे मिल सकते हैं। लेट्स गो, चलते हैं उधर भाई। तो लॉस सैंटोस के पलीटो बे पहुंचने वाला हूँ काफी तगड़े शॉर्टकट से। और कोई कह सकता है कि मैं पलीटो बे फायरवर्क्स खरीदने के लिए आया हूँ? सीरियसली मैं यार? ओके, आराम से। मेरी बाइक को क्या हो रहा है भाई? ओके, एक स्टंट करते हुए चलते हैं यहाँ से। ओके, ओ नाइस, क्या मस्त ग्लाइड कर रहा हूँ मैं बाइक। बढ़िया, बस, आराम से। ओके, लैंडिंग क्या कदर हुई है। क्या लगता है यार, पलीटो बे में कहाँ होगी कोई बढ़िया सी क्रैकर की शॉप? पता नहीं, मैं तो पलीटो पे वैसे ज्यादा आता जाता नहीं हूँ। वैसे आता भी तो भाई कौन सी दुकानें ढूंढता रहता हूँ मैं इधर। पूछते हैं किसी से। गन का तो पता है, गन की शॉप है यहाँ पर एक बड़ी सी। क्रैकर्स के बारे में आई हैव नो आइडिया। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं। हाँ तो ये आ चुके हैं मेन हम लोग पलीटो बे के अंदर। भाई साहब कितना बड़ा पेड़ है ये, लिटरली में कितना बड़ा पेड़ है यार ये। अरे इस गाड़ी को क्या हो गया, ये कैसे अटक रखी है? अरे कोई चला रहा है क्या? अरे इस गाड़ी को सीरियसली में क्या हो गया भाई, कहाँ अटका दी है? ये तो फायर स्टेशन है, क्रैकर्स की शॉप होनी तो चाहिए इधर कहीं, तो होगी ही। आगे की तरफ चलते हैं शायद इधर। ये रेंट पे है, ये शराब की दुकान है, इसके अलावा इधर नहीं है। ये टीवी की दुकान है क्या? इधर चिकन शॉप है। अरे भाई नहीं है इधर, होने को तो होगी भाई डेफिनेटली। इधर शायद नहीं, ये तो गैराज है। ये स्टोर है, स्टोर पे देखते हैं। ये तो फलों वालों की दुकान लग रही है, यहाँ पर कहाँ से एक बार चेक करके आते हैं। भाई फल की दुकान बस बाहर से है, मतलब फल की दुकान भी है ये, लेकिन साथ ही साथ पटाखों की दुकान भी है। सही है भाई। चलो तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्रैकर्स खरीद लिए हैं। अब देखना ये है कि शिनचैन भाई मेरे से बढ़िया वाले क्रैकर्स लाया है या मेरे से लोकल वाले। सीरियसली में भाई मजा आएगा, अलग ही क्रैकर फोड़ने का कंपटीशन होने वाला है मेरे और शिनचैन के बीच में। रेडी हो जाओ तुम लोग बस। ऐसे तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाकर लाइक करो गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार इतने तगड़े कॉम्पिटिशन के लिए। जाओ अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं हम लोग अभी फिलहाल लॉस सैंटोस। शाम हो चुकी है, पहुंचते रात हो ही जाएगी, तब तक शिनचैन भी अपने क्रैकर्स लेकर आ जाएगा। नाइस, बढ़िया। चलो जैसा कि मैंने कहा था भाई, पहुंचते रात हो ही जाएगी, और तुम लोग देख सकते हो रात हो चुकी है। अब बस चेक करना है कि किसके पटाखों में है दम। से सीधी सी बात है, जो जितने महंगे लाया होगा उतने ही बढ़िया होंगे क्रैकर्स, बट ऐसे जरूरी भी नहीं है भाई। शिनचैन ज्यादा से ज्यादा लॉस सैंटोस में से लाया होगा। मैं तो गया था सीधे पलीटो बे, कितनी दूर
दूर से लाया हूँ भाई मैं। ओके क्या एपिक बाइक चला रहा हूँ भाई मैं आज मैं। अरे जैसी तारीफ की वैसी बाइक ठुक गई। ओके फाइनली आ चुका हूँ, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है। कितने बज रहे हैं? ओ भाई हेलो, 9 बज रहे हैं क्या? ये 9 बजे का टाइम है संडे, आज 9 बजे का टाइम है, लग नहीं रहा भाई। सीरियसली में ये 9:15 बज रहे हैं क्या? क्या हो गया ये आजकल, मेरे फोन का टाइम लगता है खराब हो गया। शिनचैन भाई लेकर आ गया तू अपने क्रैकर्स? अरे लेकर आ गया यार मैं, ये देखो इस वाले बैग के अंदर है। अबे तू एक बात बता, तू मेरे से बाद में गया और मेरे से पहले लेकर आ गया? और क्या, मैं तो 4 बजे लेकर आ गया था, तुम 9 बजे आ रहे हो यार। कोई बात नहीं, चल भाई छत पे मस्त पटाखे फोड़ते हैं। चलो यार मैं भी तैयार हूँ। हो जाए तगड़ा कॉम्पिटिशन गाइस क्रैकर्स का। ओके लेट्स गो। लॉस सैंटोस वाले पटाखे नहीं फोड़ रहे भाई, क्या ड्रामा हो गया? छोड़ो उनकी मर्जी, हम लोग अपना कंपटीशन करते हैं। अरे चलो चलो यार तुम फोड़ो अपना पहला क्रैकर। ओके तो सबसे पहला क्रैकर फोड़ता हूँ मैं अपना। तो ये रहा भाई मेरा सबसे पहला वाला क्रैकर, अब जरा इसे जलाते हैं। और यहाँ पर मैंने इस क्रैकर को जला दिया है और देख सकते हो भाई कितनी देर तक ये जल रहा है। अरे वाह यार काफी बढ़िया है ये तो। अब बोलना भाई किसका बेस्ट है। और ये खत्म हो गया शायद, काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। अब बोल है दम तेरे पटाखे के अंदर इतनी देर तक जलने का? अरे बिल्कुल है यार, अभी अपना पटाखा जलाता हूँ मैं, रुक जाओ अपना हटाओ ये साइड में। तो ये है यार मेरा पटाखा। ओके ओके नाइस, अब देखना ये कितनी देर तक जलेगा। ठीक है मुझे पता है ये फुस होने वाला है। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर शिनचैन ने अपने पटाखे को जला दिया है। ये क्या था? अरे यार ये तो, ये क्या था भाई, कितना वाहियात पटाखा था ये। तो यहाँ पर पहला राउंड जो है वो मैं जीत चुका हूँ। अरे राउंड भी होंगे क्या? बिल्कुल भाई 3 राउंड होंगे। पहला राउंड गाइस यहाँ पर सिंपली मैं जीत चुका हूँ काफी एपिक तरीके से। अरे यार लेकिन लेकिन क्या भाई, तूने देखा मेरे में से कितने सारे डिफरेंट कलर्स निकले और कितनी देर तक चला वो? ये तो एक कलर निकला और वो भी 1-2 सेकंड मुश्किल से जला होगा। कोई बात नहीं सेकंड राउंड मैं जीतूंगा। ठीक है चेक करते हैं। तो सेकंड राउंड में हमारे पास है ये सुपर शॉट और देखते हैं गाइस ये कितना एपिक जलता है। पहले मैं जलाऊंगा यार। अच्छा तो मैं अपना हटा लूं भाई? बिल्कुल हटा लो अपना ये। ठीक है तो सबसे पहले शिनचैन अपना ये जलाने वाला है भाई। चल भाई जला। ये देखो जरा पीछे। ओ नाइस भाई, देखते जाओ कितनी देर तक चलेगा ये। ओ भाई साहब ये तो बढ़िया है भाई। यस लिटरली में। ओ भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है, चलता ही जा रहा है नॉन स्टॉप। अरे ये वाला तो बढ़िया है। ये राउंड मैं ही जीतूंगा तुम देख लेना। ओके नाइस भाई, ये वाला तो सीरियसली में अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा इसको। अरे कितनी देर तक चलेगा भाई ये, अरे खत्म ही नहीं हो रहा इसका तो ये इतनी देर। ओके रुक गया शायद, रुक गया ना भाई। अरे अब तुम जलाओ। ठीक है मेरा देखना कितना बेस्ट चलेगा। तो ये है गाइस मेरा वाला पटाखा, जलाते हैं इसे। ओके ये क्या हो रहा है? अबे ये तो सारे यहीं फटे जा रहे हैं। अरे ये क्या है यार, पता नहीं क्या चालू है ये। और ये तो रुक भी गया है बस। अरे यार ये तो गलत बात है। तो बताओ सेकंड राउंड कौन जीता? सेकंड राउंड तो भाई क्लियरली तू जीत चुका है। तो यहाँ पर गाइस टोटल 2 राउंड में से पहला राउंड तो मैं जीता, दूसरा राउंड शिनचैन जीता है। अब बारी है फाइनल राउंड की और देखना ये है कि फाइनल राउंड आखिरकार कौन जीतता है। ठीक है यार निकालो अपना फाइनल राउंड वाला पटाखा। लेट्स गो, निकाल दो गाइस मैं अपने फाइनल राउंड का पटाखा जो सबसे तगड़ा है। और वो फायरवर्क है ये, देख रहा भाई तू? काफी खतरनाक लग रहा है यार। इसे फायर करते हैं और ये देखो भाई आसमान के अंदर, देखा कितना तगड़ा ब्लास्ट। अरे बस यही कर सकता है तुम्हारा ये फाइनल फायरवर्क। क्यों तेरे पास इससे भी खतरनाक है क्या? और क्या, बहुत खतरनाक है मेरे पास। अच्छा मेरे पास तो यही है। देखो तुम्हारा एक पटाखा लॉन्च करने के बाद तुम्हें ये लोड करना पड़ रहा है और फिर दूसरा लॉन्च करने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है यार। हाँ कम से कम 3-4 सेकंड तो रिलोड में लगते ही हैं। लेकिन मेरे में ये रिलोड का झंझट ही नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे अब हटो, अब मेरे को ट्राई करने दो मेरे पटाखे से। अच्छा ये देखो मेरा फाइनल पटाखा। ओके अब देखना कितनी तेजी के साथ जाएगा ये, इसमें रिलोड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओ भाई लिटरली में ये देखो इतने सारे फायर एक साथ। ओ तेरी कितने फायर एक साथ कर रहा है वो, देखा मेरा कमाल। अरे भाई लिटरली में क्या ड्रामा है ये। अरे नीचे भी आग लगा दी तूने, क्या कर रहा है भाई तू?
अरे भागो भागो यार, आग लग गई। ओ तेरी, ये पटाखे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे भाई, लेकिन इसके अंदर रिलोड बहुत, बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा भाई रिलोड का। ये जितने चाहे उतने एक साथ फायर कर सकता है। ये देखो ये सारे फायर कर रहा है ये पटाखे, वो देखो आसमान में कितने सारे एक साथ ब्लास्ट कर रहा है। बट ये है बहुत ही खतरनाक भाई, आग लग गई है यहाँ पर। भागो भागो। अरे आ गए फायर ब्रिगेड वाले आ गए। अरे चले गए वो तो। अरे इधर आके आग बुझाओ भाई, बहुत खतरनाक है ये वाले फायर क्रैकर्स, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अरे निकलना पड़ेगा यार यहाँ से, भागो। अबे कहाँ भाग गया भाई, तूने ही आग लगा दी यहाँ पर, पता नहीं कैसे पटाखा लगाया था भाई। मेरा जो फाइनल पटाखा था, भले ही उसमें 3-4 सेकंड का रिलोड है, लेकिन एटलीस्ट उससे आग तो नहीं लगती इतनी खतरनाक। इसके पटाखे से तो सीरियसली मैं पूरा घर जल जाएगा। चलो बुझ गई अपने आप ही, जाओ जाओ फायर ब्रिगेड वालों जाओ, जरूरत नहीं, बुझ गई आग की, बुझ गई। तो बताओ यार कौन जीता? ऑब्वियसली मैं जीता भाई, मेरे पटाखे से आग नहीं लगी, तेरे पटाखे से आग लग गई। वो बात थोड़ी ना, यहाँ पर पटाखों की टेस्टिंग हो रही है, मेरा पटाखा जोरदार था। चल चल मेरा सबसे बेस्ट था। एक काम करो गाइस, तुम लोग बताओ भाई कमेंट में जाके किसके फायर वर्क में दम था सबसे ज्यादा, और तुम लोग बता देना भाई कमेंट में जाकर विनर कौन था। बाकी वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना गाइस। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।